खबर आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने की शिवपाल यादव से मुलाकात, डिंपल यादव ने भी शिवपाल यादव से मुलाकात की है। चुनाव से पहले तीनों के बीच ये अहम मुलाकात और 5 दिसंबर को मैनपुरी में वोटिंग होनी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते चले। आज अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की है, डिंपल यादव भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रही और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। माना जा रहा है चुनाव से पहले तीनों के बीच ये अहम मुलाकात, 5 दिसंबर को मैनपुरी में वोटिंग होनी है। तो आपको बताते चले, बीजेपी की तरफ से रघुराज शाक्य, जिन्होंने कल नामांकन दाखिल कर दिया, और एसपी की तरफ से डिंपल यादव, जो आज मुलाकात करते हुए शिवपाल यादव नजर आए। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए अधिक अपडेट के साथ। अविनाश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए रंजना, लोकसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात के कई मायने हैं। हालांकि देखिए, बहुत ही स्वाभाविक है कि इस मुलाकात के दौरान डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने अगले उपचुनाव में अपने लिए, यानी कि डिंपल यादव के लिए समर्थन मांगा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, तो विधानसभा चुनाव के दौरान लगा था कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ लगभग सामान्य हो चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से रिश्तों में खटास देखने को मिली। और अगर हम हालिया घटनाक्रम को देखें, तो जिस तरीके से शिवपाल यादव को उम्मीद थी कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन हालांकि वैसा हुआ नहीं, डिंपल यादव को वहां से टिकट दिया गया, जिसके बाद तल्खी देखी गई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में। हालांकि देखिए, अखिलेश यादव को पता था कि अगर शिवपाल यादव नाराज होते हैं और अंदर खाने अगर वो विरोध करते हैं, तो उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम शिवपाल यादव की बात करें, तो वहीं से मैनपुरी लोकसभा सीट में ही, चूंकि जो जसवंत नगर जहां से वो विधायक हैं, वहां से विधायक चुनकर आए हैं, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रघुराज शाक्य, चूंकि रघुराज शाक्य ने नामांकन से पहले शिवपाल यादव से मुलाकात की, काफी अच्छे मित्र दोनों लोग बताए जाते हैं, तो अखिलेश यादव को इस बात की पूरी जानकारी थी कि अगर अंदर खाने भीतरघात होती है या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है, तो डिंपल यादव का चुनाव खराब हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैनपुरी वो सीट है रंजना जो समाजवादी पार्टी के साख से जुड़ी हुई है, और चूंकि इस बार देखा जाए तो मैनपुरी और रामपुर दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी की साख की लड़ाई है, क्योंकि दोनों ही सबसे मजबूत गढ़ माने जाते हैं। और वैसे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही कोशिश है कि इस बार रामपुर और आजमगढ़ की तरह मैनपुरी का भी किला ध्वस्त किया जाए। तो वैसे में अगर परिवार एक नहीं रहेगा, तो उसका खामियाजा, चूंकि वो एक घरेलू सीट भी है समाजवादी पार्टी की, और इस लिहाज से कह सकते हैं कि चूंकि शिवपाल यादव के घर मिलने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव और डिंपल यादव, लेकिन हालांकि इससे पहले जब डिंपल यादव का नामांकन था, तो उस दिन था मैनपुरी में, कई बार शिवपाल यादव की गैर मौजूदगी को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया। हालांकि उन्होंने 4 से 5 बार जब सवाल सुने, उसके बाद उनका जवाब आया कि पूरा परिवार एक है और चुनाव प्रचार के दौरान पूरा परिवार जमीन पर दिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि आज की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में एक तरफ डिंपल यादव के लिए समर्थन मांगा होगा अखिलेश यादव ने, और साथ ही में एक जो मैसेज, चूंकि चुनाव के दौरान जो तस्वीरें होती है, जो मैसेज होता है, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने ये अपील की होगी या ये उनसे बोला होगा शिवपाल यादव से कि आपको भी चुनाव प्रचार में उतरना पड़ेगा। तो अब चूंकि देखिए मुलाकात खत्म हो चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव कि जो तल्खी है, क्या उसमें कमी आती है, जो नाराजगी है, क्या उसमें कमी आती है। लेकिन देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिवपाल यादव का कोई भी बयान सामने नहीं आया था, वो बिल्कुल चुप थे, बिल्कुल मौन थे, और माना जा रहा था कि हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिनों में शिवपाल यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया। हालांकि उससे पहले ही अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, और माना जा रहा है कि जो शिवपाल यादव की नाराजगी है या जो भी तल्खी है, उसमें इस मुलाकात के बाद कमी देखने को मिल सकती है। अविनाश, यानी कि अखिलेश यादव कहीं डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर नजर आई थी, उनके बयान से झलक रहा था। अः
बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अखिलेश यादव को पता है कि अगर मैनपुरी का चुनाव अखिलेश यादव हार जाते हैं तो ये बहुत अब तक का सबसे बुरा कह सकते हैं कि असर होगा समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो लीडरशिप है उस पर सवाल उठने लगेंगे। क्योंकि मैं देखिए, मैनपुरी वो सीट है जब मुलायम सिंह यादव चूंकि वहां से सांसद, और न सिर्फ मुलायम सिंह यादव बल्कि यादव परिवार के कई लोग वहां से सांसद रह चुके हैं। मैनपुरी में पहले हवा एक तरफा चलती थी, यानी कि चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी से कोई भी खड़ा हो जाए जीत जाता था, क्योंकि वहां पर देखिए जो वहां का जो एक कास्ट फैक्टर है वो समाजवादी पार्टी के हक में हमेशा से रहा है। और साथ ही में मुलायम सिंह यादव की जो छवि थी वहां पर, जो उनका कनेक्ट था लोगों से, वो उसकी वजह से समाजवादी पार्टी वहां मजबूत रही। लेकिन इस बार देखिए वैसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में इस बार वहां पर चुनाव होने जा रहा है। और बीते कुछ सालों की बात करें, 2014 से लेकर अब तक की बात करें, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ग्राफ में कमी देखी गई है, और ना सिर्फ देखिए चूंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर भी बहुत आश्वस्त थे, चूंकि उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ रहे थे, बावजूद इसके अखिलेश यादव वहां से चुनाव वहां पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ ही समय पहले जो वहां पर विधानसभा चुनाव हुआ है आजमगढ़ की 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, तो उस चुनाव को लेकर काफी आश्वस्त थे। लेकिन उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि आजमगढ़ जैसी जो सेफ सीट हमेशा मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, उस सीट को भी समाजवादी पार्टी हार गई। रामपुर, चूंकि रामपुर में पहले भी भाजपा जीत चुकी है, लेकिन इस बार रामपुर सीट को एक बार फिर से भाजपा ने सपा से छीन लिया, तो वैसी स्थिति मैनपुरी में ना बने। और तब जब शिवपाल यादव नाराज होते, देखिए एक गणित को समझना पड़ेगा रंजना, क्योंकि जहां से बाकी अविनाश, और इसी वजह से जो अखिलेश यादव बिल्कुल एक्टिव मूड में नजर आ रहे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। और हम एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को फिर से बताते चले, यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की है, मुलाकात खत्म हो चुकी है, और डिम्पल यादव ने भी शिवपाल यादव से मुलाकात की है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर यह मुलाकात काफी अहम, इस मुलाकात में प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा, चुनाव से पहले तीनों के बीच की जो ये मुलाकात है काफी अहम मानी जा रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले, करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली और अखिलेश ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है, मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आया अखिलेश यादव। 5 दिसंबर को मैनपुरी में वोटिंग होनी है और उससे पहले आज तीनों के बीच ये मुलाकात हुई है। और संवाददाता सरद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। सरद, आज ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और ये जो जानकारी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आज सैफई में जो है शिवपाल सिंह यादव की आवास पर अखिलेश यादव की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सुबह करेल में जो प्रचार प्रसार कर रही थी डिम्पल यादव, और डिम्पल और अखिलेश आज अचानक यहाँ सैफई पहुंचे हैं, और सैफई में उन्होंने शिवपाल सिंह यादव की आवास पर पहुंचकर अहम बैठक की है। तकरीबन आधे घंटे बैठक चली है और बैठक के जो है काफी मायने लगाए जा रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव की तरफ से एक कवायद की जा रही है, जो डैमेज कंट्रोल है उसको जोड़ने की, क्योंकि जो मैनपुरी का उपचुनाव है उसमें शिवपाल यादव एक महत्वपूर्ण कली साबित हो सकते हैं, और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ये चुनाव हारना नहीं चाहती, इसलिए वो कहीं ना कहीं शिवपाल को मनाने के लिए स्वयं अखिलेश यादव या सैफई में उनकी आवास पर पहुंचे हैं। उनके साथ डिम्पल यादव भी मौजूद थी, और तकरीबन 30 मिनट तक तीनों के बीच में महत्वपूर्ण बैठक हुई है, और बैठक के बाद अखिलेश यादव बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से कोई भी बात बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, और अपने कार्यकर्ताओं से हाथ हिलाते हुए अखिलेश यादव अपनी कोठी के लिए रवाना हो गए हैं। सनत आपके पास आएंगे, और इससे पहले आपको बताते चले हमारे साथ बीजेपी नेता अशोक पांडे जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। देखिए, चुनाव को लेकर जो तैयारियां है पूरी की जा रही है, और कहा जाता है कि बीजेपी चाहे कुछ भी हो वो पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आती है। देखिए, पहली बात ये है कि अखिलेश और ये शिवपाल जी चचा भतीजा तो है ही, या तो कुर्सी की खातिर लोग अलग हो गए कि चचा आज भी अलग है, अलग पार्टी उनकी है, फिर सत्ता की खातिर एक जगह आ रहे हैं। ये तो दुनिया जानती है कि सत्ता की खातिर कभी चाचा चोर भतीजा पाजी होता था, आज फिर चाचा भतीजा हो गए राजी, यही मैं कह सकता हूँ खाली। लेकिन चाचा भतीजा राजी हो गए, लेकिन चुप्पी दोनों ने साथ रखी है ना जी।
जी अशोक जी, कहिए जरा। अशोक जी आप तक आवाज जा रही है, मैं कह रही हूँ कि दोनों के बीच मुलाकात हुई, मंथन हुआ, लेकिन अखिलेश यादव भी चुप्पी साध रखे, शिवपाल यादव भी चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों ने कुछ कहा नहीं मीडिया से मुखातिब होने के बाद। देखिए आपको बता दें कि निश्चित तौर से एक तो सपा चाहता है कि एक परिवार एक जगह हो, बहुत अच्छी बात है दोनों लोग मिलते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं शिवपाल जी मिले, अखिलेश जी मिले, राम गोपाल जी मिले, लेकिन वहाँ मैनपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरी तरह से आश्वस्त है आप? कुल मिलाकर तो हमने आजमगढ़ में हराया धर्मेंद्र को, हमने सुब्रत पाठक से हराया डिंपल को, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं डिंपल फिर हारेंगी हमारे साथ। देखिए एसपी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी को, और गढ़ तो आजमगढ़ को भी कहते थे, गढ़ तो वो जहाँ से डिंपल हारी उसे भी कहते थे, इन गढ़ों को हम तोड़ रहे हैं सबका साथ सबका विकास करके। ठीक है, लेकिन मैनपुरी को एसपी का गढ़ माना जाता है, कोई भी चुनौती, कोई भी चुनौती आपको नजर नहीं आती, आप सीधा किला फतेह कर लेंगे? कोई गढ़ नहीं होता, गढ़ था तो क्यों हार गए राहुल गांधी स्मृति ईरानी से, तो उसी तरह निश्चित तौर पे मैनपुरी की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। ठीक है, चलिए अशोक जी ये जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आलोक अवस्थी बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए अभी जो खबर सामने आ रही है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मुलाकात हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यह परिवार के अंदर की दोहरा कुश्ती है, अखिलेश यादव जी किससे मिलते हैं और कब मिलते हैं ये अखिलेश यादव जी तय करते हैं। इसके पहले भी दो उपचुनाव हुए, अखिलेश यादव जी ने